इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज मौसम विभाग HP चंद्रा के मुताबिक सावधान अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बिजली गिरने का खतरा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के 7 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं अंधड़ चढ़ने की भी चेतावनी की गई है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश जारी है। इस बीच अंधड़ उठने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी जारी की है। इसमें से बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के 7 जिले ऐसे हैं जहां बिजली गिरने का खतरा सामान्य से अधिक है। वहीं रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार सुबह 8:30 बजे तक प्रदेश के गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों में अंधड़ चलने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना अधिक है। इन जिलों के लिए मध्यम स्तर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश के शेष सभी जिलों के लिए हल्के स्तर की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात अति संभावित है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम का ऐसा ही हाल 5 जुलाई को भी रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई को भी यही हाल हो सकता है। 6 जुलाई से कुछ जिलों में मध्यम से भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर शहर में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दोस्तों, अगले 3 दिन तक 32 से 35 डिग्री रह सकता है रायपुर का तापमान। वहीं अब तक 276.5 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से अब तक प्रदेश में 276.5 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। यह सामान्य औसत बरसात 236.1 मिलीमीटर से 17% अधिक है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने बताया था कि गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले वासियों को आज थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वहां बिजली गिरने के साथ साथ गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना अधिक जताई गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले का मौसम मिजाज कैसा है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डेली का मौसम से जुड़े हुए अपडेट चाहते हैं तो हमारे CG36 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।